Hello, this is Mishi Agrawal and today is Daughter's Day and I feel very grateful that today my parents celebrated my special day, Daughter's Day, in such a great manner where we all celebrated with all our guests and all the daughters over here in the restaurant. And I feel honored that mission has been kept on my name, Mishi. And people generally ask me that what Mishtan means. Then let me tell you that Mishtan is made up of two words, Mishi and Mitten, where Mishi means loved by everyone and Mitten is a Spanish word which means sweetful delights. So Mishtan is a place which is loved by everyone and where you get sweetful delights. So with this, I would like to say thank you to each one of you for giving me so much of love and so much of compassion, and namaste. Thank you. आज डॉटर्स डे है और हम ये डॉटर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए मिश्टिन में आए हैं. मिश्टिन को आज डॉटर्स डे में स्पेशली बहुत अच्छे से सजाया गया है. यहाँ आकर हमें बहुत खुशी मिली. हम घर से सोच कर आए थे कि हम अपनी बेटी का डॉटर्स डे मनाएंगे, लेकिन जब यहाँ आए तो एक परिवार की तरह इन लोगों ने इस मिश्टिन को सजाया और हमको लगा कि वाकई में हम अकेले यहाँ नहीं आए थे, एक परिवार को साथ लेकर के आए थे. और मिश्टिन में आकर के मेरी बेटी को भी बड़ा मज़ा आया है. आज डॉटर्स डे पे मैं अपनी बेटी के लिए कहूँगी कि लोग शायद कहते हैं कि हमको बेटा होना चाहिए, लेकिन जब हमको बेटी हुई तो हमने इसके लिए बहुत खुशियाँ मनाई थी. और आज वाकई में हमें महसूस होता है कि बेटी घर की एक लक्ष्मी होती है, जो एक कुल की दीपक नहीं होकर के दो कुलों की दीपक होती है. और इसी के लिए हम यहाँ आए हैं कि हमारी बेटी ने हमको जितनी खुशियाँ एक लक्ष्मी के रूप में आकर के दी है, ऐसी खुशियाँ हम इसको दे पाएँ. इसलिए हम इस डॉटर्स डे को बेटी के लिए सेलिब्रेट करने के लिए आए, ताकि हम इसको कुछ खुशियाँ दे पाएँ, कुछ हैप्पीनेस दे पाएँ, ये खुश रहें, मस्ती करें, इन्जॉय करें. और मिश्टन परिवार ने इसको इतने अच्छे से सेलिब्रेट करवाया है कि हमें बहुत आकर के यहाँ बहुत ज़्यादा खुशी हुई है. थैंक यू. अ प्लेजर. हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते. जैसा कि आप सबको पता है कि आज डॉटर्स डे है. हमने मिश्टिन में डॉटर्स डे सेलिब्रेट किया है. मेरी बेटी के लिए स्पेशल सरप्राइज़ पार्टी ऑर्गेनाइज की थी. तो मेरी बेटी का नाम है मिशी, इसी के नाम पे मिश्टिन रखा गया है. मैंने सोचा कि रेस्टोरेंट में, मिश्टिन में जो भी गेस्ट आते हैं वो सब बेटियां भी हमारी बेटियां हैं, तो हमने सबको इंक्लूड किया है. हम सब ने बहुत इंजॉय किया है. बेटियाँ बहुत प्यारी होती है. बेटे बेटी दोनों एक समान होते हैं. बेटियाँ घर की रौनक होती है, घर की शान होती है, इवन दो घर की रोशनी होती है. डॉटर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई. मेरी बेटियाँ नहीं है, पर बाकी जो मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर, वो सारे मेरे बच्चे ही हैं. तो इसलिए डॉटर्स डे की सबको बधाई. और मिश्टिन के अंदर आज डॉटर्स डे सेलिब्रेट हुआ, मुझे इसकी बड़ी खुशी है. भावना जी ने अपनी बिटिया के साथ में डॉटर्स डे सेलिब्रेट किया है, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई. धन्यवाद. आज संडे होने के बावजूद भी डॉटर्स डे, यह बहुत खुशी की बात है कि बच्चों का, बेटों का भी और बेटियों का भी दिन माना जा सकता है. क्योंकि संडे है तो बेटों का माना जा सकता है और डॉटर्स डे है, इसलिए बेटियों के लिए तो बहुत खुशखबरी आई कि आज बहुत ही अच्छा दिन है. और मेरे को लगता है कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं या जो भी हैं गर्ल्स, उनके पेरेंट्स को इस दिन को केवल पर्टिकुलर डे के रूप में नहीं मना करके और इंटायर 365 दिन मनाना चाहिए, ताकि बच्चे हैं तो देश है और जगत है. थैंक यू. नमस्ते. आज डॉटर्स डे है और डॉटर्स डे के मौके पर मैं इसमें इतना बोलना चाहती हूँ कि बेटियाँ हमारे घर की रौनक होती हैं, शान होती है. हमें उनको हर वो खुशी देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करती हैं. ना तो बेटे और ना बेटियाँ, दोनों में कभी भी डिफरेंस नहीं रखना चाहिए. दोनों हमारे लिए बराबर ही हैं. थैंक यू. बेटियाँ हमारे माता पिता का स्वाभिमान होती हैं और इन्हीं से माता पिता के अरमान पूरे होते हैं. बेटियाँ जितना आगे जाए वही माता पिता का सच्चा स्वप्न होता है. इनके हर सपने पूरे हों, ये माता पिता का हर पल दिल से अरमान होता है. और वो कहीं ना रुके, अपनी मंजिलों को हर दिन हासिल करती जाएँ और वो मुकाम पर पहुँचें जहाँ जो स्वप्न उन्होंने अभी देखा है, वो स्वप्न उनका हर समय हर पल पूरा होता है. सर, हम लोग ये तो आ रहे थे, एक टूर पर आए थे हम लोग, अपने बिजनेस टूर पर. जिस बीच में हम लोग ने तो इसको देखा तो हम लोग समझे शायद कोई महल वगैरह है पुराना. और यहाँ से हम लोग निकल कर जा रहे थे इसी रोड से, लेकिन आगे जाकर बस स्टैंड के आगे एक
होटल है वहाँ हम लोग ने रूम देखे, उन लोगों ने कहा वहाँ मुझे पसंद नहीं आया, और वहाँ से जस्ट यहाँ से हम लोग जब जा रहे थे तब ये सोच कर जा रहे थे अगर ये होटल हो तो इसमें हम लोग ठहरने की इच्छा रखेंगे, और वहाँ से उन लोग ने हम लोग को ऑफ़र किया कि इसी रेट में आपको हम ये होटल दे सकते हैं। मैंने कहा वाह जी क्या बात है यार। तो फिर हम लोग यहाँ आए और उसके बाद हम लोग ने जो यहाँ पर हम लोग ने खाना भी खाया, यहाँ पर रूम बुक करवाया, तो मुझे अपनी लाइफ में मतलब होटल्स वगैरह के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस सेंटर में रेट वाइज ये पहली नज़र का पहला प्यार लगा मुझे। मतलब वास्तविकता यही है, मतलब हम देखेंगे तो पूरे राजस्थान में, आज हम देखेंगे राजस्थली देखेंगे जयपुर में, ठीक है वो इससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन वहाँ पर इतना डेकोरेटेड नहीं किया हुआ है, ये एक वास्तविकता है। और मैं राजस्थली में भी है तो दिसंबर में रहकर आया हूँ, 2nd दिसंबर 3rd दिसंबर 4th दिसंबर 3 दिन में वहाँ भी रहा था, वो काफ़ी बड़ा है लेकिन वहाँ पर हमें इतना उजाला इतनी रोशनी नहीं दिखती है, तो ये हम कहेंगे कि वाकई में बहुत अच्छी जगह है ऐसा है। और इस रेट में तो मतलब भगवान ने एक प्रकार से प्रसाद बांटा है, यह वास्तविकता है। तो हमारे शहर में भी इस रेट में इतनी अच्छी व्यवस्थित जगह नहीं है, हम लोग के यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे होटल हैं, लेकिन इस रेट में और इतने मतलब अच्छी परिस्थिति में हम लोग के यहाँ ऐसे होटल्स नहीं हैं, ठीक है इस रेट्स में मिल भी जाएंगे लेकिन ऐसा खाना नहीं मिलेगा, यहाँ खाना बहुत अच्छा है। नमस्ते, मैं हैदर अली, फ्रेंड्स क्लब अध्यक्ष और पार्षद नगर पालिका झालरापाटन से। सबसे पहले तो आपको डॉटर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज हम जहाँ पर आए हुए हैं, आज मेरी वाइफ का बर्थडे है मिस्टन क्लब एंड रिसोर्ट में, ये हमारे ज़िले की शान है, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पर इस होटल के बनने से पर्यटकों का यहाँ के प्रति रुझान बढ़ा है, फॉरनर्स का झालावाड़ के प्रति आकर्षण बढ़ा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित हो और यहाँ बेहतरीन सुविधाएँ जो भी लोग आते हैं उनको प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू सो मच। मिस्टिन बहुत अच्छा है, जब भी आते हैं कुछ चेंजेज मिलता है, हमेशा नई चीज़ अपडेट होती है, खाना भी बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल हाड़ौती की शान है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक शूट के लिए मिस्टिन होटल आए थे, लेकिन यहाँ पर यह है कि सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी हमें कि जब भी हम आए यहाँ पर एक नया सा फील हुआ है, और ऐसा लगा है कि मतलब यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। यहाँ के लोग, यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो इतने कोऑपरेटिव हैं, यहाँ तक कि आप मान लीजिए यहाँ के जो ओनर हैं वो इतने सपोर्टिव हैं हर चीज़ में। हमने यहाँ पर शूट करी, उन्होंने अपना पूरा 100% हमने जो दिया है वो हमारे साथ उन्होंने पूरा हमारा सहयोग किया है। बस हमारी यही आशा है कि मिस्टिन होटल और उरूज पे पहुँचे। हाय, मैं मुख्तार, मैं आज झालावाड़ आया, झालावाड़ में अक्सर आता हूँ लेकिन पहली बार मिस्टिन आया था, वो एक मेरा फ्रेंड है उनके साथ ही आया था। तो यहाँ आने के बाद मुझे लगा, जब जाते हैं तो मैं अभी उदयपुर भी गया, काफ़ी मेरे टूर होते रहते हैं, फोटोग्राफर हूँ, फैशन फोटोग्राफर हूँ, तो शूट्स चलते रहते हैं, तो उस शूट्स के अकॉर्डिंग आज यहाँ आया था। मैंने बाहर से देखा, जितना रॉयल है ना उतना रॉयल यहाँ के लोग हैं, उनका दिल भी उतना ही रॉयल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग ट्रीट कहीं जाते हैं तो एक ट्रीट मिलता है, और जैसे कि ऐसे ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ मुझे लगा ही नहीं कि कोई मुझे ट्रीट कर रहा है, यहाँ लगा कि सब अपना है, जो यहाँ के लोग हैं और स्पेशली